आज हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप 6 देखेंगे और टाइप 6 यह पार्ट सी है। हम सबसे पहले सीखे थे गुणनखंड की संख्या निकालना, उसके बाद गुणनखंड का गुणनफल भी सीख लिए और आज जोड़ना सीखेंगे। सम गुणनखंड का योग कितना, विषम गुणनखंड का योग कितना, पूर्ण वर्ग के गुणनखंड का योग कितना, इस टाइप का सवाल। अब विश्वास ले आते हैं, हम सबको टाइप बाय टाइप बांटने का प्रयास किए हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इसीलिए, और हर टाइप पे 5 क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, ताकि प्रैक्टिस रहे, भूले नहीं। और एक बात हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, अगर आपके कॉपी में नोट रहा तो रिवीजन 5 मिनट में पूरा कर लीजिएगा आप, ज़्यादा झूठ बोल दिए नहीं, आधा घंटे में पूरा हो जाएगा। चलिए टाइप 6 गुणनखंड का योग, जैसे 216 के विषम भाजकों का योग कितना है, 120 के सम गुणनखंडों का योग कितना है, इस टाइप का सवाल है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, 120 से सीखते हैं। हम यहाँ पर सीखेंगे गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और विषम गुणनखंडों का योग, इस टाइप का प्रश्न है। ध्यान दीजिए, हम एक एग्जांपल समझाएंगे 120 पे, बाकी सब आपको अपने समझाना है। एक संख्या लेते हैं 120 और हमें अब 120 के सभी गुणनखंड का योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग। सर कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं 120 के जितने भी गुणनखंड है सब का योग निकालिए, सबको जोड़िए। यह पहले सीख चुके हैं, 360 आया था पार्ट 1 में, तो यही पढ़े थे नहीं। अब ध्यान दीजिए, विषम गुणनखंड जो भी है ना उसका भी योग निकालना है, सम गुणनखंड जो भी है उसका भी योग निकालना है। जैसे हम सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 20, 24, 30, 40, 60, 120 सबको जोड़िए, इस टाइप का प्रश्न है। एक समझने का प्रयास कीजिए, एक समझ में आ गया सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले 120 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगेगा 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 × 5 15 हो जाता है। फैक्टर तोड़ने भी आना चाहिए, आप इसमें उस्ताद होइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले सभी गुणखंडों का योग निकालेंगे, सभी गुणखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। सोचो 2 के पावर q है, इसको इस तरह से जोड़ेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 और 3 तक चले जाएंगे। जो जो मान संभव है उसी मान को लिखिएगा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 है मतलब 0 तो संभव होगा ही होगा, 5 के पावर 1। जो जो मान संभव है वही लिखना है। अब 2 के पावर 0 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का q 8, किसी चीज़ का पावर 0 1, 3, 1 + 5, 8 × 12 = 14, 1 = 15, 3 × 1 = 4, 5 × 1 = 6, ठीक है। तो 15 × 4 = 60, 6 × 6 = 36, 360 है। सभी गुणखंड का जब जोड़िएगा तो 360 आएगा। जो जो मान संभव है वही लिखिए, एक यही नियम है, जो जो मान संभव है वही लिखना है बस। दूसरा, विषम गुणखंडों का योग निकालना है, सॉरी निकालना है अब सम गुणखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। जो जो मान संभव है वही लिखिए। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पेज ऊपर करना है, नीचे दिखेगा नहीं। चलिए 120 को फैक्टर यहाँ लिख दिए, 120 का फैक्टर यहाँ लिख दिए, अब बनाते हैं सम गुणखंड। जो अभी आप सीखे हैं ना,
सेम वैसे ही जो जो पावर पॉसिबल है वो लिखते हैं पहले। टू के पावर जीरो, टू का पावर जीरो, टू के पावर वन, टू के पावर टू, टू के पावर थ्री। अभी आप सीखें, थ्री के पावर जीरो, थ्री के पावर वन, पाँच के पावर, फाइव के पावर ज़्यादा है इंग्लिश आधा हिंदी मिला के बोलना पड़ जाता है, कुछ भी सही नहीं है। चलो ध्यान रख, हम टू के पावर जीरो नहीं लिखते हैं। जब भी सम निकालना हो ना, टू का पावर जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जब टू के पावर जीरो से थ्री के पावर जीरो में या थ्री के पावर एक में हम गुना करेंगे तो विषम संख्या आएगा। जैसे टू के पावर जीरो हो गए एक, और थ्री के पावर जीरो एक, एक गुने एक कौन संख्या, विषम संख्या। टू के पावर जीरो एक, एक में तीन के पावर एक से गुना कर दा, कौन संख्या आ गया, विषम संख्या। जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, विषम संख्या के बनेगा, इसलिए टू के पावर जीरो को उड़ा दीजिएगा हमेशा। सम गुणनखंड लिखना हो तब, ठीक है। चलो, टू का पावर वन टू, टू का स्क्वायर फोर, टू का क्यू आठ, एक प्लस थ्री, वन प्लस फाइव, आठ से बारह दो चौदह, तीन एक चार, पाँच एक छः, चौदह चौका छप्पन गुने छः, छः छः छत्तीस, छः छत्तीस पंच चौबीस, तीन तेईस, छप्पन गुने, छप्पन गुने छः, छः छः छत्तीस, छः से तीन, छः पच तीन तैंतीस, तीन सौ छत्तीस, ठीक है। समझ में आया, सेम वही है जैसे निकले सभी गुणखंडों का योग, उसमें टू के पावर जीरो लेते थे, यहाँ टू के पावर जीरो नहीं लेना है। अगला है विषम गुणखंडों का योग, विषम गुणखंडों का योग। फिर यहाँ पे हम फैक्टर लिख देते हैं पहले समझने के लिए, ताकि समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब विषम गुणखंडों का योग निकालना है। तो विषम गुणखंड में सिर्फ हम विषम संख्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या देखेंगे। तो कितना है, थ्री के पावर जीरो, सॉरी थ्री के पावर वन, तो वैल्यू होगा थ्री के पावर जीरो, थ्री के पावर वन, फाइव के पावर जीरो, फाइव के पावर वन, ठीक है। तो एक प्लस तीन, एक प्लस पाँच, तीन एक चार, पाँच एक छः, छः चौका चौबीस, मतलब विषम गुणखंडों का योग चौबीस आएगा। इसको एक और माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये ईजी है, समझाया जा सकता है। तीन के पावर एक है ना, इसे क्या मान हो गया, थ्री के पावर जीरो और थ्री के पावर वन। पाँच के पावर एक है ना, क्या मान हो जाएगा, पाँच के पावर जीरो, पाँच के पावर वन, वन इंटू वन, तो वन इस तीन और गुने एक, तीन यहाँ थ्री के पावर जीरो वन, यहाँ पाँच, तो पाँच एकम पाँच, तीन और पाँच पाँच दिए पंद्रह, बैक क्रॉस होना किए हैं, तीन एक चार, पंद्रह पाँच बीस, पूरा मिलाया जाए, सॉरी दिखा नहीं, पंद्रह पाँच बीस, तीन एक चार, पूरा मिलाया जाए बीस चार चौबीस। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसे विषम संख्या छोड़िए। जब भी विषम गुणनखंड निकालना हो सिर्फ विषम संख्या को देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट है आगे, 216 के विषम भाजकों का योग कितना है, 216 के विषम भाजकों का योग कितना है, क्या यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करें। तो देखा, 216 किसका क्यू लग रहा है तुमको, छ का क्यू, 216 नहीं, तो दो गुने तीन का क्यू लिख सकते हैं, छ का क्यू, प्राइम नंबर में फैक्टर तोड़ दिए हैं, टू का क्यू इंटू थ्री का क्यू, ठीक है। अब विषम भाजक कौन है,
यही है ना, लिख दे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, 27, 33, एक छोड़ दिए, 2 छुट्टियाँ थे, दिख रहा है ना बुआ, तो बड़ा बड़ा लिखे क्या साला, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इसी में देखिए, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 27 9 जोड़ लीजिए, 27 9 3 और 1, 7 3 10, 9 1 10, 20 0 हासिल 2 40, कौन सा टिक मारिएगा, विषम भाजक का योग 40 है, सिर्फ विषम संख्या देखिए, सब एग्जाम जो भी क्वेश्चन लिए हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले आप बाय प्रोसेस बनाइए, धीरे धीरे सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और एक क्वेश्चन आपके नाम धीरे धीरे कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, 1080 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड का योग कितना है ये निकाल के दिखाइए, सबसे पहले पार्ट बी का वीडियो देखिएगा तभी बनेगा, जो जो मान संभव है वही लिखिएगा, जो जो मान संभव है वही लिखिएगा, इसका आंसर इसे 50 है हम लिख दिए, ठीक है, नहीं बने तो शॉर्ट वीडियो में ही बनाने वाले हैं क्वेश्चन, और आपका इस टाइप का प्रश्न टाइप 6 फैक्टर्स रिलेटेड समाप्त हुआ, अब टाइप 7 देखेंगे कल से।